Assalamualaikum everybody, welcome back to my YouTube channel. और हमेशा की तरह आज का व्लॉग भी मेरा बहुत अच्छा होगा, बहुत खास होगा, क्योंकि इतने सारे प्रैंक्स के बाद और इतनी सारी चीजों के बाद कराची जाना मेरा बनता है और नाराजगी भी मेरी बनती है. क्यों? ठीक कह रही हूँ जी. मदिया मेरे प्रैंक्स वगैरह से नाराज होकर कराची जा रही है अकेली. यस, ये मैंने आपको दे दी कैप्शन. सही है. नहीं, मैं सच में अकेले ही कराची जा रही हूँ और कराची जाना मेरा बहुत ज्यादा जरूरी था. क्यों नहीं था कैसन? ये मेरा सामान थोड़ा सा रखा हुआ है, बाकी सारा जो है पीछे रखा हुआ है. तो अब हम मिलेंगे कराची के एयरपोर्ट पे. कराची के एयरपोर्ट में नहीं, मैं पूरा व्लॉग कंटिन्यू रखूंगी. जिस भी किसके साथ जा रही हूँ मैं, कौन से प्लेन में जा रही हूँ, और वहाँ पे भी अपना व्लॉग कंटिन्यू रखूंगी. आज मैं अकेले इंजॉय करने वाली हूँ विदाउट माई हस्बैंड, एंड आई थिंक इट्स गोना बी ग्रेट फन. क्या मैं भी? आप इंजॉय करेंगे मेरे बगैर? मैं तो बहुत इंजॉय करूंगी, क्योंकि आपने मेरे साथ गलत किया है, इसलिए तो भाई बोर्डिंग तो स्टार्ट हो गई है और अब हम जाएंगे अंदर. सब लाइन में लगे हुए हैं, इसलिए मैंने कहा मैं थोड़ा सा बैठ के आराम कर लूँ. सो गाइस, बोर्डिंग हो चुकी है, अंदर जा रही हूँ मैं, और गेट नंबर 11 की तरफ आई एम मूविंग. अब प्लेन में बैठेंगे. मैं ना सबसे एंड में आई हूँ ताकि मुझे वेट ना करना पड़े. आज मेरी पिक्चर कौन लेगा? आज तो मेरी पिक्चर कोई ले ही नहीं सकता, तो मैंने सोचा व्लॉग बना लूँ, क्योंकि पिक्चर लेने वाले तो मेरे साथ आए नहीं हैं. वो तो घर पे आराम कर रहे हैं, उनको मेरी ज़रूरत ही नहीं है. ये जो कछुए की चाल चल रहे हैं, आगे वाला जो है वो रुक गए, वो रैपिड की चाल चल रहे हैं. चले भाई, अब अंदर जाने का टाइम आ गया, तो अब हम अंदर जाएंगे. पाखे बस आ चुकी है हमारे लिए, सवारी को मुसख़िर कर लिया, वरना हम इसे काबू में लाने की ताकत ना रखते थे. बेशक एक अस्सलामुअलैकुम खवातीन व हज़रात, एयर सेवा कप्तान मोहसिन हबीब और उनके अमले की जानिब से हम आपको परवास नंबर PF146 जो कि कराची रवानगी के लिए तैयार है, फिर खुश आमदीद कहते हैं. हम 3000 फीट की बुलंदी पर परवास करते हुए इंशाल्लाह 1 घंटे 35 मिनट में कराची पहुँच जाएंगे. आपसे गुजारिश है कि अपना तमाम दस्ती सामान बलाए खाने नशे के नीचे रख दीजिए, अपनी सीट की बेल बांध लें, सीट की पोसीजी रखिए और खाने की मेज सही तरीके से बंद कर लीजिए. आपसे गुजारिश है कि नाम से इलेक्ट्रॉनिक अलार्म, मोबाइल फोन बंद या फ्लाइट मोड पकड़ दें, जिनके इस्तेमाल से जहाज के नेविगेशन और कम्युनिकेशन का निर्णय के निशान बंद होने से लेकर लैंडिंग के लिए हिफाजती बल्ब के निशान रोशन होने तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं. एयर सेवा की तमाम परवाजों पर सिगरेट नोशी की सख्त मान्यता है, मेहरबानी सिगरेट नोशी लग के सिगरेट से परहेज कीजिए. कुछ ही देर में हम आपको मुझे शदीद इस बात का था, क्योंकि मैं दो लोगों के बीच में बैठी हुई थी, एक अंकल इधर एक आंटी उधर. मुझे नहीं पता वो दोनों साथ थे या नहीं, लेकिन मुझे लग रहा था वैसे साथ नहीं है, अगर साथ होते तो बराबर बराबर में बैठते. यू कैन सी द पूल बना गया, लेकिन मेरी नजर ये खाना जो है इन्होंने अच्छा सर्व किया था, एयर सियाल जिसमें मैं गई थी, और इन्होंने दिया था दाल चावल प्लस पास्ता. भाई खाना शाना खाने के बाद मैं थोड़े सा हुदूदगी में चली गई थी, नींद में टन हो गई थी. इधर झूम रही हूँ उधर झूम रही हूँ, और कराची कब कैसे आने लगा मुझे बिल्कुल पता नहीं चला. और ये आप देख सकते हैं कि ये अब ज़मीन पर लगा है. बस मुझे ये वाली चीज़ होती है, बस अब यहाँ आके ना मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती हूँ कि यार अब जहाज़ लैंड हो चुका है, अब हम बिल्कुल सेव हैं. और सबसे ज़्यादा मुझे यही होता है कि हम सेफली लैंड करें. मम्मी का घर, और वहाँ तुझे अभी तक लेने नहीं आया है,
रास्ते में है। और मैं यार आज मेरे आउटफिट की पिक्चर भी नहीं हुई, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है। यहाँ पे देखिए आपको मेरा आउटफिट, मैं तो हमेशा से आउटफिट की पिक्चर लेती हूँ लेकिन आउटफिट की पिक्चर अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा नहीं हुई है। मैं बाहर जा रही हूँ, वहाँ से सारे सामान से आऊँगी क्योंकि रात 12 बजे के बाद कोई फ़्लाइट नहीं होती, और उसके बाद कोई फ़्लाइट नहीं होती तो पूरा एयरपोर्ट खाली पड़ा हुआ है। आई होप कि कराची आई हूँ तो वो दोबारा से वो गंदे गंदे रोड ना हो, साफ़ सुथरे रोड होंगे। पीछे वो ट्रैक्टर चला रहा है। यू गाइस रियली थिंक कि आई शुड मिस MJ एसन? मुझे थोड़े थोड़े याद तो आ रहे हैं, अब कुछ हो भी नहीं सकता। और ना चलने के लिए मैंने ये इस्तेमाल किया है, दिखाती हूँ, मुझे चलना ना पड़े इसलिए आई एम यूजिंग दिस। अच्छी साथ साथ भी लेकिन वॉक करती रहूँगी ताकि मैं जल्दी पहुँच जाऊँ ना, और जल्दी से अपना सामान उठाऊँ और फिर घर जाऊँ। तो क्योंकि मैं जल्दी आ गई हूँ, या मैं सबसे फ्रंट वाली सीट में बैठी हुई थी, इसलिए भी अभी तक सामान नहीं आया, और अब सामान आएगा। सामान नहीं आया, यहाँ पे खड़े के मज़ीद वेट करना है। और महत भी बाहर पहुँच चुका है, अभी महत का मैसेज भी आ चुका है मेरे पास, विच इज़ एक्चुअली देयर आउटसाइड। और महत और भाभी मुझे लेने के लिए आए। हाँ, कौन सी चीज़? चिकन बाइट्स करके कुछ है। ये मेरा व्लॉग चल रहा है, महत और भाभी मुझे लेने के लिए आ गए हैं। हाँ, क्या खिला रहे हो महत? मैं कह रहा हूँ चिकन बाइट्स होते हैं, इसमें पोटैटोज होते हैं, इसमें चिकन होती है, और चीजी यमी इतने मजे की होती, ट्राई करना था बस। हाँ, तुम ले लो, मैं एक दो चख ले लूंगी। इसमें चख लोगी खाली? हाँ, मुझे पता है तुम पूरी खा रही होगी। कौन सी है? 7 अप। 7 अप आपकी कौन सी है? ड्यू? मेरी ड्यू। एक ड्यू और 2 7 अप। हम लगे अब खाने, और हम कराची से आने के बाद ये खाने लगे। महत ये तो वहाँ पे भी था, आई गेस उधर यार वो पोर्ट ग्रैंड में। तो ये जी सामान उतर रहा है, और ये महा ड्राइवर सामान उतार रहा है। अब हम जाएंगे अंदर। सो फाइनली मैं आ गई हूँ अपनी अम्मी के घर, और यहाँ पे रेस्ट कर रही हूँ। चेंज मैंने कर लिया है ऑलरेडी। यहाँ पे मेरे स्लीपिंग सूट रखे हुए थे, होपफुली दरक्षा ने जो है मेरे स्लीपिंग सूट यूज नहीं किए थे। तो अगर किए तो मैं इसको छोड़ूंगी थोड़ी, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि मेरी चीजें कोई यूज भी करे। बस मुझे एक यही चीज ही पसंद, बाकी हर चीज पसंद है लेकिन मेरी चीज यूज नहीं करे। मैं आपको न्यू चीज खरीदूंगी, मेरी चीज यूज ना करें। ये चीज दरक्षा को भी और समझ जानी चाहिए। और अम्मी बहुत बहुत खुश हुई है। अम्मी का रिएक्शन इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि अम्मी जी सो रही थी मेरी, मैं आई हूँ अम्मी के गले लगी हूँ। अम्मी ये समझ रही थी कि किरत जो है, किरत उनके गले लगी हुई, एकदम उठ के यूं सो रही थी, ऐसे कहती है हाँ कौन हा? वो किरत ने अपने व्लॉग में रिकॉर्ड किया है। यहाँ पे अभी मैं और दरक्षा जरा गॉसिप्स कर रहे हैं, और उसके बाद आराम करेंगे। मैं फ्लैशलाइट मार रही हूँ, सॉरी। तो फ्लैशलाइट तो देख ले। यार देखिए, फ्लैशलाइट की मुझे इसलिए नीड है बिकॉज इस रूम में मुझे लगता है मैं साथ काम भी कर रही हूँ, मैं साथ फ्लैश भी दे रही हूँ मेरी। आप देख लें, आप इनका वो देख लें कि इनका अकाउंट कौन सा चल रहा है, बस इनका अकाउंट देखते रहे आप लोग। तो अब रेस्ट का टाइम हो गया है, मामा पापा दोबारा सो गए हैं। मैंने अगर आपको इस वक्त शक्ल दिखा दी तो आप लोग डर भी सकते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को नाराज नहीं करूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और इसी तरह मेरे ब्लॉग को प्यार देते रहिएगा। एक काम कीजिएगा कि ये काम कीजिएगा कि सब्सक्राइब के बटन पे ना क्लिक करके जाइएगा। हेलो।